आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। खबर देवरिया से है, जहां बजाजी रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तीन बाइक सवार बदमाशों ने सीएमएस कंपनी की वैन में पैसे लूटने की फिराक में कलेक्शन मैनेजर को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से वैन में मौजूद गार्ड ने अपनी सर्विस बंदूक से एक बदमाश को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल बदमाश और घायल मैनेजर को जिला अस्पताल पहुंचा और गार्ड की इस बहादुरी से गार्ड को 10,000 रुपए की नगद पुरस्कार घोषित किया। क्या करने आए थे लोग? क्या क्या चीज? पैसा लिए थे हम लोग, कहाँ पैसा ले जाए? कहाँ जा रहे थे जमा करने के लिए? कलेक्शन कर रहे थे, कलेक्शन करके HDFC बैंक लेने जमा कर रहे थे। गोली जो हमारे गार्ड के वही मारे हैं। क्या नाम है गार्ड का? योजेंद्र तिवारी। अच्छा, उन्हीं को मतलब वो भी आपके साथ थे? हमारे साथ हो गए थे। जिनको गोली लगी वो कौन है? जिनको गोली लगी प्रभुनाथ पारे। आपका नाम क्या है? प्रभुनाथ सिंह। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वंचित अभियुक्तों के खिलाफ चलाया जा रहे सर्च ऑपरेशन में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि 4 आरोपी भैंस चोरी की तैयारी करते समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से 3 अवैध असलहे, भैंस चोरी के सामान, 6,1900 रुपये नकद बरामद किया गया है। 4 लोग भैंस चोरी की योजना बनाते हुए पुलिस ने, बिलसी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से एक पिकअप गाड़ी और 3 तमंचे और 16,900 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है। ये लोग भैंस चोरी करते थे और ये संभल में ले जाकर किसी स्लॉटर हाउस में बेच देते थे और उससे जो पैसा अर्जित होता था तो उससे ये अपना धंधा पानी करते थे। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और मुनासिब धाराओं में अभियोग पंजीत कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। खबर बस्ती से है, जहां के सरई गांव के पास रेलवे लाइन पर गर्भवती महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सैकड़ों की संख्या में गांव वाले रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। ग्रामीण ने इसकी सूचना और गौर स्टेशन मास्टर और पुलिस को दी। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। गौर पुलिस ने महिला व नवजात शिशु का शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आज दिनांक 28 मार्च 2022 को थाना गौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम के सही क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला की ट्रेन से कटकर दुखद मृत्यु हो गई, जिसके पेट में 5 माह का बच्चा भी था, उसकी भी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना गौर की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे पुलिस लिया गया। चूँकि शव काफ़ी छत बिछत हो चुका है, इसलिए मौके पर आसपास मौजूद लोगों से उसकी पहचान का प्रयास कराया गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बलिया से है, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में एक लावारिस स्थिति में नवजात शिशु मिला, जिसको महिला चिकित्सालय NICU में भर्ती कराया गया। जब कुछ ही घंटों में नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं महिला चिकित्सालय के CMS का कहना है कि कल पुरुष हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु आया था जिसकी स्थिति ठीक नहीं थी, उसको भर्ती किया गया था, लेकिन आज करीब 9 बजे मौत हो गई। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा तो घर है ओ पर व्यासी हरदय सिंह के डेरा जी। आप कहाँ आई हैं? क्या हुआ, क्या आपने देखा? हम यहाँ पर आए हैं इमरजेंसी में एक लड़की के दिखाने, उसका साथ में हमारे बगल वाला से बोलिए तो लाइटिंग में लड़का सुता रहा है, आप ले लीजिए, तो हम जाके देखेंगे तो जिंदा है लड़का, तो हम अपने गोद में ले लेंगे। तो बाथरूम में आप गई थी? तो क्या देखी आपने? लड़का एक सुता रहा, लगती थी पाइड सब न बढ़ रहा, लो इसे तो पर सुमिता सिन्हा महिला। मैम, कल बच्चा आया था रात को भर्ती हुआ था जिला अस्पताल में। क्या पूरा मामला क्या है? ये बच्चा अज्ञात करके आया था, मेल चाइल्ड था और
जिसके BHT पे लिखा हुआ है कि वो पुरुष अस्पताल में मिला था, उसको यहाँ पे 10 कितने बजे भर्ती किया गया था, 10:15 PM पे। बच्चे की हालत उस समय भी बहुत ही ख़राब थी, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था, यानी कि गैस्प कर रहा था, अपने से सांस नहीं ले पा रहा था और बहुत ठंडा। खबर गोरखपुर से है जहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि ट्रेंड यूनियनों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन का भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली, रेलवे, बैंक कर्मचारियों के निजीकरण के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बैंकिंग कामकाज ठप रहने से हुई है, वही भारत बंद का असर आम लोगों पर देखने को भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूपीएन सिंह है। यूपीएन सिंह जी, क्या वजह है कि आज आप सड़कों? आज पूरे देश में ऑल सेंटर ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर हम उतरे हैं। साथ साथ जो हमारी बैंक की मांगे हैं उसको भी हम इनको जोड़ते हुए आज हड़ताल पर अपना जुलूस के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र की मांगे हैं कि महंगाई पर रोक लगाएगा, निजीकरण को बढ़ावा न दिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले बंद किए जाएं, गैर इनकम टैक्स भाई को 7,500 महीना दिया जाए, पेंशन सबको दिया जाए, और जो भी जहां भी हमले हो रहे हैं श्रम संशोधन बिल वापस लिया जाए, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में माने ऑल सेंटर यूनियन की मांगे हैं। और बैंक में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार, अभी मर्जर किया, अब निजीकरण करने जा रही है, तो इसको हम लोग जनता का धन है उसको लूटने से बचाने के, जनता का धन नुकसान हो जाएगा, और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की बात है, और पुरानी पेंशन बहाली की बात है, पेंशन अपडेशन की बात है, इन सब तमाम मुद्दों जो हमारे 11/11/20 को समझौते हुए थे उसकी बात न मानने वाली बात को लेकर आज हम सड़क पर उतरे हुए। खबर एटा से है जहां जिले के जलेसर कस्बे में लगे विशाल रक्तदान शिविर में थाना जलेसर के पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। वहीं इस दौरान चिकित्सकों ने रक्तदान के संबंध में समाज में फैली भ्रांतियों के बारे में अच्छा संदेश दिया। सुशासन के नाम पर योगी आदित्यनाथ को फिर से जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। औरैया जिले के दिव्यापुर थाने के एक दरोगा ने उस सुशासन को तार तार कर दिया और मृतक के परिवार के साथ सहानुभूति की जगह दरोगा थाने में तंबाकू खाते हुए जमकर हड़ताल और मृतका की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देता है। मृतक की पत्नी का सिर्फ इतना पूछना था कि जिस ट्रैक की टक्कर से उसके पति की मौत हुई वह थाने से कैसे छूट गई। वह जब अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी दरोगा को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर विशंबर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच CO सिटी को दी गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंबर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु CO सिटी को निर्देशित किया गया है जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुणदोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेंगे। खबर फिरोजाबाद से है जहां बैंक कर्मचारी यूनियन जनपद इकाई फिरोजाबाद ने 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल की। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बैंक कर्मचारी ने वित्त मंत्री और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग न पूरी होने पर बैंक कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें किसी भी सूरत पर निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल अब तक 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। पर्दे पर कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लाई है जो आगे कई दिनों तक थमने वाला नहीं है। बता दें कि RR का आंधी में द कश्मीर फाइल का जलवा कम नहीं हुआ। फिल्म ने 70वें दिन में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। खबर गाजियाबाद से जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की घोषित हड़ताल को कई सरकारी बैंक से जुड़ने संगठन
AIBA ने अपना समर्थन दिया। वहीं गाजियाबाद में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से बैंक कर्मचारी भी 2 दिन की हड़ताल पर है, जिसमें 2 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। बता दें कि बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाजियाबाद में कई कर्मचारियों ने मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी दूर से चल के आए हैं, यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे स्ट्राइक है, तो यहाँ पे पैसे नहीं निकाल पाए, थोड़ी अर्जेंट से थी तो बहुत दिक्कत। सर बैंक तो खुला हुआ है लेकिन शटर डाला हुआ है इन्होंने, इसका आधा पता नहीं क्या, और बाहर हल्ला मचा रहे हैं ये सारे बैंक वाले। क्या कहें, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, जानकारी कुछ नहीं है। मैं तो सीधा बैंक आया हूँ तो बैंक में जाके पता लगा कि आज हड़ताल है, पहले से पता ही नहीं हड़ताल भी की है। काफ़ी परेशानी होगी सर, हो भी रही है। जब हमारा बायपार्टाइट समझौता हुआ था उसमें सरकार ने हमसे समझौता किया था कि हम आपकी पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और हमारा निजीकरण का जो है वो आगे से नहीं होगा और 5 डे बैंकिंग को बैंकों में लागू करेंगे। आज जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें कई करोड़ हमारे मजदूर साथी जो है उसमें स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा AIBA का जो संगठन है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का, वो बैंकों में मेजोरिटी है, लगभग 80% की भागीदारी हमारी है। हम उनको कोऑपरेट करने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए आज सब हमारे साथी जो है वो सड़क पर। SBI बैंकों में दूसरी यूनियन है, वहाँ पर NCB है, उनका मॉरल सपोर्ट का लेटर हमारे AIBA के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी को पहुँच चुका है, वो आज स्ट्राइक पर नहीं। जब यूनाइटेड फोरम की स्ट्राइक होती है तो वो भी हमारे साथ आते हैं। अगर इस एक सेकेंड अगर इसमें हमारी बात ही मानेंगे तो हम यूनाइटेड फोरम की स्ट्राइक करेंगे जिसमें तमाम बैंक जो हैं वो उसमें स्ट्राइक करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।